यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा, यह हमारा संकल्प है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आँख है और गधा को भी दो आँख होता है। हमारा कर्म है अपने विचार पर चलना, और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है इस देश का संविधान, संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं। हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, हम इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे, और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। कि मैं नहीं समझता हूं कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को कोसने के लिए है, ये मंच सिर्फ और सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताने की है, क्योंकि वो तो आप सब लोग जानते हैं। वो आप सब लोग इसलिए जानते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस दौर में भी कोई इंसान अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, इस दौर में भी कोई नौजवान अगर यूथ कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, इस दौर में भी अगर कोई विद्यार्थी एनएसयूआई का झंडा उठाए हुए है, इसका मतलब वो सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए बीजेपी क्या है, मोदी जी क्या हैं, आरएसएस क्या है, मैं इन चीजों पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस बात को बखूबी समझा दिया है। वो क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमको ये समझना होगा कि हमको क्या करना है। आज जब हम इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिस कार्यक्रम का नाम है बेहतर भारत की बुनियाद, तो हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, एनएसयूआई का कार्यकर्ता होने के नाते, सेवा दल का कार्यकर्ता होने के नाते, महिला कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, इंटक का कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, किसान सभा का कार्यकर्ता होने के नाते, हम इस देश की बुनियाद के लिए क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। कितना गंभीर दायित्व आपके कंधे पे है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है, कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं
जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर पांचवा युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है, उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शरीर है, तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को दोनों हाथ मनना पड़ेगा। यह बात हम लोगों को समझना होगा। जब तक इस देश का फर्स्ट टाइम वोटर, जिसके मैसेज में, जिसके स्नैपचैट पे, जिसके इंस्टाग्राम में, जिसके व्हाट्सएप पे झूठ परोस करके, मिस इंफॉर्मेशन परोस करके उनको गुमराह किया गया है, जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम स्कूल स्कूल नहीं पहुंचेंगे, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। जो सवाल है यहां पर कि भारत का बुनियाद क्या है, भारत का बुनियाद है इंडिया। यह बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारत का बुनियाद है इंडिया, और वो जो इंडिया है, वो इंडिया एक सोच है, और वो सोच को हमको एक एक कार्यकर्ता को अपने व्यवहार में लेकर के आना पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने रखें, तो किस तरह का एग्जाम्पल हमको देखने का मिलता है। गांधी जी ऐसे नहीं थे कि बुनियाद भारत के कार्यक्रम में आए हैं, कर्नाटक में सरकार भी है, तो थोड़ा फोटो वोटो खिंचा करके चल देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे, तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। यह गांधीवादी तरीका है। 100 समस्याएं होंगी, 1000 समस्याएं होंगी। बतौर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तभी मजबूत हो सकता है जब यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई मजबूत होगा। इस बात का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और वो मजबूती कैसे होगी? वो मजबूती ऐसे होगी, गांधीवादी तरीके से होगी, कि हम एक समस्या को उठाएंगे, लगातार आंदोलन करेंगे,
और जब तक सरकार और प्रशासन को झुका ना दे, अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आंदोलन जीतते हैं, जब आप संघर्ष को जीतते हैं, तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद लोगों को इस देश के इतिहास को दोबारा जाकर के देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। अभी कलाकार ने आजादी की बात की, हाथों की आजादी की बात की, देश की आजादी की बात की, तो एक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता को गर्व से यह बात कहनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं और आजाद देश में आजादी को बचाएंगे भी। इस बात को हमको याद रखना है। और अगर हमने इसका संकल्प लिया है तो मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, खास करके जो हमारी महिलाएं यहां पे बैठी हुई हैं। जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गया है। उसके बाद श्रीमती गांधी बिहार गई थी, जहां से मैं आता हूं, वहां पे एक नरसंहार हुआ था और श्रीमती गांधी हाथी पे बैठ करके गई थी शोषितों से मिलने के लिए, उन नरसंहार के जो पीड़ित थे उन परिवारों से मिलने के लिए। और उनके साथ हाथी पे बैठी हुई एक महिला थी, जिस महिला का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसीलिए हम कहते हैं, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज आप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, NSY के कार्यकर्ता हैं, आपको कर्म करने की जरूरत है। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है अपने विचार पर चलना। और हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है इस देश का संविधान, संविधान की प्रस्तावना। और प्रस्तावना कहता है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब ये विचारधारा हमारे पास है, इस देश को आजादी दिलाने का इतिहास हमारे पास है, और आज के वक्त में हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के सिपाही हैं। हमको गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत। और उनको डरने की जरूरत नहीं है जो किसी के खिलाफ गलत नहीं किए हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो डरें, जो सत्य पर चलते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक निडर सिपाही की तरह जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष की मुखर आवाज बने हैं, उस आवाज को हमको घर घर पहुंचाना होगा। और इस देश की जो बुनियाद है, भारत की जो बुनियाद है, वो इस देश की संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। उस प्रस्तावना को हमको घर घर लेकर के जाना पड़ेगा। कई बार कार्यकर्ता आकर के हमसे सवाल पूछते हैं कि हमको वैचारिक कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। साहब, गांधीवादी एक तरीका है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। और गांधीवादी तरीका यह होता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, एक्शन ही आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके एक्शन में वो सारी बातें दिखनी चाहिए। एक बात कहिए कि मैं बहुत महंगा शर्ट पहन करके, मोटा मोटा सोना का सिकड़ी पहन करके, 5 करोड़ का गाड़ी लेकर के आपके पास आऊं और मंच पे खड़ा होकर के गरीबी पे भाषण दूं, आप हम पे भरोसा कीजिएगा? एक्शन ही कम्युनिकेशन होता है। हमको अपने एक्शन को अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। और हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। यह हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि इस देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। और यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है। और इसी लोकतंत्र को बचाने का काम यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। हम जो झंडा अपने कंधे पे लिए हैं, यह झंडा
सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है, यह झंडा इस देश की आजादी को बचाने के लिए। इस बात को याद रखिएगा, इस देश में दो तरह के लोगों के बीच लड़ाइयां हो रही है। इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को आपस में बांटते हैं, एक वो लोग हैं जो ऊंच नीच करते हैं, एक वो लोग हैं जो इंसान को लड़ा करके इस देश की शक्ति को कमजोर करते हैं, एक हम वो लोग हैं जो नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा, जब साहब गा रहे थे तो इनकलाब की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता उसको मोहब्बत की तरह ले रहे थे, तो आखिरी बात बोल करके खत्म करूंगा कि जो नौजवान इश्क नहीं करता वो इनकलाब भी नहीं कर सकता है, जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता वो परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। हम इश्क करेंगे, नफरत को हराएंगे, संविधान की आवाज को बुलंद करके इनकलाब लेकर के आएंगे, और हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे महात्मा गांधी ने चला और एकता का संदेश दिया। हम उस रास्ते पे चलेंगे जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चला और साहस का परिचय दिया। हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चले और समानता का बात किया। हम भगत सिंह के वासी हैं, हम भगत सिंह के वासिंदे हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं। हमको भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, गांधी के रास्ते पे चलना है और अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर के जाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भारत की बुनियाद इंडिया में है और इंडिया की जो शक्ति है उसको हमको जोड़ना है, एक आखिरी नारा बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं विद्यार्थियों के कार्यक्रम में कहता हूं, जुड़ेगा विद्यार्थी, जुड़ेगा विद्यार्थी, जुड़ेगा विद्यार्थी, उसी तरह से जुड़ेगा नौजवान, जुड़ेगा नौजवान, जुड़ेगा नौजवान, जीतेगा इंडिया। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से यूथ कांग्रेस की पूरी टीम को एनएसवाई की तरफ से बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।